क्या है CISF का इतिहास, CISF के गठन की क्यों पड़ी थी जरूरत, CISF के जवानों की क्या होती है ड्यूटी। भारत में हजारों जवान हर रोज हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जब हम इन जगहों से गुजरते हैं तो इन जवानों पर नजर पड़ती है। ये CISF के जवान होते हैं जो कि भारत के बॉर्डर पर खड़े जवानों जितना ही देश को योगदान देते हैं। ये सभी जवान हमारी सुरक्षा के लिए ही खड़े रहते हैं। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, ये एक ऐसी फोर्स है जिसका मकसद देश की आंतरिक और औद्योगिक सुरक्षा प्रदान करना है। CISF का अपना एक अलग ही इतिहास है जो कि बेहद गौरवशाली है। हालांकि जिस तरीके से सेना और CRPF के जवानों के बारे में आमतौर पर कहानियां कही, पढ़ी और सुनी जाती है, इनके बारे में इतनी चर्चाएं नहीं होती है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए वर्दी किसी भी विभाग का मिला हो, योगदान और देशभक्ति सबकी बराबर रहती है। तो चलिए जानते हैं CISF के गौरवशाली इतिहास को। CISF की स्थापना, CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। संसद में एक अधिनियम पास करने के बाद इसको अस्तित्व में लाया गया था, इसलिए हर साल 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF भारत का एक सुरक्षा बल है, इसको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। CISF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CISF की जब स्थापना हुई थी उस वक्त इसमें 2800 जवान काम किया करते थे। वहीं आज की तारीख की बात करें तो CISF में तकरीबन 17,000 जवान काम करते हैं। CISF की स्थापना की जरूरत क्यों? CISF मुख्य रूप से गवर्नमेंट फैक्ट्रीज और सरकारी विभागों को सिक्योरिटी देता है। साथ ही CISF के जवान सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाले इंडस्ट्रियल कैंपसों में भी तैनात रहकर उनकी सुरक्षा करते हैं। साथ ही CISF देश के कई खास संस्थानों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संस्थानों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशंस, आपदा प्रबंधन के साथ नेशनल और लोकल लेवल पर जहां भी इनकी जरूरत महसूस की जाती है CISF के जवानों को तैनात किया जाता है और वो सजगता से अडिग रहकर अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं। जाहिर है देश के अंदरूनी हिस्सों में कार्यरत उद्योगों, सरकारी संस्थानों, कुछ गैर सरकारी संस्थानों की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए ही CISF की स्थापना की जरूरत महसूस की गई थी, जिसे संसद से पास कर मूर्त रूप दे दिया गया था। दूसरी सुरक्षा बलों की तरह CISF में भी पद रैंक के हिसाब से बटे हुए हैं, जिनमें से सब तो नहीं लेकिन कुछ रैंक और पद हम बता रहे हैं। CISF में डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सीनियर कमांडेंट, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। हालांकि CISF के जवानों को आप कभी भी बॉर्डर पर लड़ते नहीं देख सकते, लेकिन देश की अंदरूनी व्यवस्था को दुरुस्त रखने का काम CISF बड़े ही जिम्मेदारी से निभाती है। शहर के भीतर या फिर औद्योगिक संस्थानों में कोई भी संकट आती है तब जरूरत के हिसाब से सेना और CRPF के जवान तो आते ही हैं। उनको आने में जितना भी वक्त लगता है उस वक्त तक वहाँ की व्यवस्था CISF के जवान ही संभाले रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इनके कामों को वो नाम आज तक नहीं मिल पाया है जिसके ये असली हकदार हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।